तो यहाँ पे दोस्तों चारों साइड मैंने जो था उसको मैं कर दिया हूँ। एक बार के लिए मैं डिसाइड आइसोलेट करता हूँ और एक बार देख लेता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को फिलहाल के लिए। अगर आप एक मॉडलिंग आर्टिस्ट हो तो आपको समझ में आ गया होगा कितना रियलिस्टिक जो है मॉडल ये लग रहा है। अब मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि और क्या क्या इसमें डिटेलिंग्स है जो मुझे करनी है। फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। ओके, ये जो कट था इसको मेरे को थोड़ा सा कंटिन्यू और आगे तक लेके जाना है। तो उसके लिए एक बार मैं वन प्रेस कर लेता हूँ और कुछ खास करना नहीं है इसमें, सिर्फ उनको वर्टेक्स लोगों को पकड़ना है। एफ प्रेस कर लेता हूँ ताकि फोकस हो जाए उस पर, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देना ताकि जो मेरा कटिंग है बीच का वो मेरा कंटिन्यू आगे तक दिखे, है ना। आप देखेंगे कि ये जो कंटिन्यू आगे तक गया है तो ये आगे तक के दिखेगा। एक बार के लिए मैं 3 प्रेस करके दिखा देता हूँ, है ना। तो काफ़ी हद तक ये आगे तक दिखने लगे और यहाँ पे हो गया थोड़ा सा। जब ऊपर के ऊपर वाले में भी जब हम लोग कट लगाएंगे उसको नीचे खींचेंगे तो तब तक ये दब जाएगा। बट फिर भी मैं थोड़ा सा और इसमें देखता हूँ कि और क्या डिटेलिंग हम लोग इसमें बेटर तरीके से कर सकते हैं। काम करता हूँ, जो पॉइंट है ना इस पॉइंट को थोड़ा सा पीछे खींच लेता हूँ। थोड़ा सा बेटर है पहले से रिजल्ट। तो काफ़ी हद तक पीछे तक खिंचा गया है वो पॉइंट जो मेरे को चाहिए था। तो ये मैं सारे जो पॉइंट्स हैं सबके साथ कर लूँगा एक बार फिर से, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने चारों सेट कर लिया है इसको। एक बार मैं डी आइसोलेट कर लेता हूँ तो काफ़ी हद तक मेरे को एक सेटिंग में ही रिजल्ट मिल रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो डिटेलिंग मेरे को समझ में आ रहा है वो ये कि आप देखें यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा कर्व है ना ऊपर साइड, तो इस कर्व को भी हम लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। अब उसको कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, एक बार के लिए मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। और ये जो कर्व है ना, इसको हम लोग पकड़ के हल्का सा सा फैला देंगे, ठीक है। चारों साइड से फैला दिया मैंने ताकि जो कर्वेचर है वो मेरे को थोड़ा अच्छे से ठीक ठाक मिल जाए ना। आप चाहे तो यहाँ पे एक और सेगमेंट लगा सकते हैं, लगा के थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक शेप जो है वो थोड़ा सा आपके इसमें थोड़ा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं 3 प्रेस करता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा और रियलिस्टिक शेप आप देखोगे, थोड़ा सा और रियलिस्टिक हो गया क्योंकि एकदम सीधा तो रहता नहीं है कोई भी चीज़। तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा रैंडमनेस आ गई है इसके सरफेस पे। तो अब ये थोड़ा सा और बेहतरीन जो लुक है वो मुझे यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो नीचे का ऑलमोस्ट जो मैं पार्ट है वो देख लिया हूँ, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं आगे थोड़ा सा और उबड़ खाबड़ टाइप का, तो ये हल्का सा शेड है क्योंकि इसका टेक्सचर उसके ऊपर हल्का हल्का यहाँ पे नॉइस जो है पुटअप किया गया तब जाके इतना अच्छा दिख रहा है। तो ये हम लोग देख लेंगे पहला चीज़, और उसके बाद हम लोग आएंगे ऊपर वाले में, है ना। तो ऊपर वाले सेगमेंट पे अब मैं आता हूँ। तो जैसे दोस्तों मैंने नीचे वाला सेगमेंट बनाया था, ऊपर वाला सेगमेंट भी एज इट इज वैसा ही बनेगा। आप देखेंगे सेम है ऑलमोस्ट, कुछ ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो कर्वेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कर्वेचर को मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर्वेचर पुट किया था वैसे यहाँ पे भी सेगमेंट डाल के मैं कर्वेचर को थोड़ा सा ज़्यादा पुटअप करूंगा। और बाकी बात रहा ये लाइन बनाने का, तो लाइन बनाने का विधि सेम है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ट्यूटोरियल को ताकि आपको बेटर समझ में आए देख के।
सकते हो कि जो सेकंड वाला है वो भी मेरा काफ़ी हद तक जो है मैच हो गया है, मेरा जो पिक्चर दिया हुआ उसके साथ। और जो कुछ कुछ डिटेलिंग्स हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा निकला निकला हुआ, उसको मैं अलग से जो है इसमें पुटअप कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ वर्टेक्स पकड़ूंगा मैं और इसको अपने हिसाब से निकाल दूंगा हल्का सा, और थोड़ा रैंडमनेस देने के लिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा रियलिस्टिक वाला जो है वाला फील आ जाएगा इसमें। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ऊपर से पड़ के से खींच दिया है ना, तो थोड़ा सा रैंडमनेस आ गया, थोड़ा सा बेटर जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं हल्का सा निकला हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक जो है वो फील देगा। तो यहाँ से मैं कुछ कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे कर देता हूँ इस टाइप से, थोड़ा सा और रियलिस्टिक आ गया। तो दोस्तों ये छोटे छोटे जो टेक्निक है इस सब को यूज़ करके आप अच्छा अच्छा रियलिज्म जो है अचीव कर सकते हैं। बेसिकली मॉडलिंग जो होता है वो इसी का खेल होता है कि आप कितना अच्छे से जो है रियलिज्म मॉडलिंग के थ्रू अचीव कर पा रहे हैं, यही मेन जो है उसमें टेस्ट रहता है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी हद तक मेरा जो रैंडमनेस है वो भी आ गया है ना। अच्छा, जो लास्ट चीज़ मेरे को देखना था वो ये था कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कुछ ज़्यादा ही मेरे को लग रहा है, तो एक बार के लिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों को जब मैं सिलेक्ट करूँगा दोनों बीच दोनों गैप है ना। तो ये गैप एक्चुअली कब है, जब मैं इसको वन प्रेस करूँगा, इसको भी वन प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे देखेंगे आप दोनों के बीच में गैप है। तो ये जो गैप है इसको मैं या तो चाहूँ तो वन प्रेस करके भी कर सकता हूँ या तो मैं थ्री प्रेस करके भी कर सकता हूँ, बट बेसिकली मैं थ्री प्रेस करके करूँगा ताकि जो मेरा मेन मुद्दे का बात है वो मेरे को यहाँ पे सही से मिले, मतलब थ्री प्रेस होने के बाद जो है सही रिजल्ट मेरे को मिले। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा और जो नीचे वाला है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा ताकि दोनों के साथ इंसाफ, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो एक बार के लिए मैं ऊपर जाता हूँ, वर्टेक्स उनको पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद है ना ऑलमोस्ट हल्का सा टच, मतलब जितना हो सके उतना टच करा के इसको छोड़ देने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कि काफ़ी हद तक मेरा सही रिजल्ट आ गया है यहाँ पे। अब जो है अब ये बहुत ज़्यादा गैपिंग जो है वो समझ में नहीं आ रही है, और जैसे कॉर्नर कॉर्नर की गैपिंग है वो अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पे आप वर्टेक्स पकड़ लीजिए इसका और थोड़ा सा आप इसको नीचे करके ये जो होता है थोड़ा सा फिलर टाइप का इसको थोड़ा सा और लुक दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा और ये रियलिज्म अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा है ना। तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ फिर से इसको थोड़ा सा नीचे, ठीक है ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये आप देखेंगे कि ठीक ठाक मेरा जो एक एक लुक जो है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ओके, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट यानी सबसे ऊपर वाला टॉप वाला। तो ये दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा यहाँ पे एक बॉर्डर जो है अलग से यहाँ पे लगाया हुआ है और इसको टेक्सचरिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। तो अपन क्या करेंगे इसको दो पार्ट में बनाएंगे, यानी जो ऊपर वाला है ऊपर वाले को अपन अलग से बनाएंगे और जो ये वाला जो पार्ट है यानी पट्टी वाला इसको हम लोग अलग से इसी में से एक्सट्रूड करके उसको जो है हम लोग मॉडल करेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अपन देख लेते हैं। तो हाइट ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने पहले सबसे पहले ही मिला लिया था तो हाइट मेरा ऑलमोस्ट ठीक है, तो हाइट को लेके मेरे को छेड़खानी नहीं करना है। और मैं आता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला जो चीज़ आप देखेंगे कि एकदम काफ़ी फूला हुआ है, यानी जो कॉर्नर है उसका वो काफ़ी यानी ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी पतला है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा है ना। तो एक बार के लिए वन प्रेस करता हूँ और जो दोनों फेस है एक बार के लिए मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ और जो ऊपर का वाला फेस है नीचे वाला फेस है इन दोनों को पकड़ के मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक मारता हूँ यहाँ पे मैं, सॉरी इसको पकड़ के शिफ्ट दबा के डबल क्लिक, और इसको जो है मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पतला है तो ऑलमोस्ट ये इतना पतला लग रहा है मुझे प्रपोर्शन के हिसाब से जो मैं पिक्चर देख रहा हूँ उस हिसाब से कि इतना पतला मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक रिजल्ट मेरे को दे देगा, ठीक है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा गैप भी आ गया, तो ये गैप को अपन बाद में फिलअप कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए मेरे को देखना है कि जो इसका पफीनेस है पफीनेस मेरा एज इट इज़ जो है वो रहे। और थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा आई थिंक सो, थोड़ा सा पतला और अपन कर लेते हैं इसको, और जो ऊपर वाला है इसको थोड़ा सा अपन आइसोलेट करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे भी जो है छोटा हो रहा है, तो ये चीज़ को मेरे को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ के थोड़ा सा हाइट मेरे को इसको बढ़ा देना है, थोड़ा सा पकड़ के इसको नीचे ऐसे खींच देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आई थिंक बेटर रिजल्ट है, हाँ अब पफिनेस जो है वो थोड़ा सा सही दिख रहा है, बट इस पफिनेस को ठीक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से वन प्रेस करके
एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे कि मैंने जैसे स्मूथ प्रेस किया तो ये दोनों के बीच में बहुत गैप आ रहा है, तो ये वो इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने इसको डिज़ाइन पूरी तरह किया नहीं है, इसलिए इसमें रेस्ट्रिक्शंस जो है नहीं आई हैं, जिसके कारण जो स्मूथनेस है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो मैं वन प्रेस कर लेता हूँ। अब मैं वापस से आता हूँ, अब मैं वापस से देखता हूँ कि इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा पफिनेस लाने के लिए मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। अच्छा मैं एक बार देख लूँ कॉर्नर पर इसका कोई डिज़ाइनिंग है कि नहीं है। सॉरी, ओके बंद हो गया, मैं वापस से उसको ओपन कर लेता हूँ। हाँ तो कॉर्नर पे इसके भी डिज़ाइनिंग है, तो खैर उसको अलग अगर हम लोग अलग से ही अगर एक्सट्रूड करके बनाएंगे, तो मैं सबसे पहले इसको एक्सट्रूड कर ही लेता हूँ। राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे एक्सट्रूड फेस, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, कौन से फेस में मिला है मेरे को, इस फेस में ना, तो इस स्टेप से मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर ही लिया इसको। और अब मैं देखता हूँ इसको, तो यहाँ पे जो है वो बॉर्डर टाइप का था वो मेरे को मिल रहा है, पर वो थोड़ा सा और प्रोमिनेंट है। तो उसको प्रोमिनेंट करने के लिए अपने पास दो वे है, या तो मैं रेस्ट्रिक्शन पहले ही डाल दूँ इस टाइप से दोनों जगह पे, ओके फाइन, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं रेस्ट्रिक्शन डाल दूँ ताकि इधर से भी ये जो है ना खुले। यहाँ से एक बार मैं इसको ठीक है एक बार के लिए मैं थ्री प्रेस करके देखता हूँ। तो ठीक है, मेरे को यहाँ से तो जो इसका बॉर्डर था वो मुझे तो मिल रहा है काफ़ी हद तक, एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना। तो बॉर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉर्डर इज ऑल ओके। बट अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो पफीनेस है, पफीनेस उतना अच्छा नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे मैं इसमें रेस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ तो ये जो है इस साइड से जल रहा है ना। तो इसको अपन को ठीक करना है अगर, तो अपन क्या कर सकते हैं, मैं इस पे जाता हूँ एक बार के लिए, इसको आइसोलेट कर लेता हूँ, और जो इसके फेसेस थे सॉरी, हाँ तो यहाँ पे दोस्तों एक ग्रो का ऑप्शन होता है, शायद आपको मैंने पहले बताया नहीं है। जैसे अब मैंने बीच का फेस सिलेक्ट कर लिया, तो शिफ्ट दबा के जो क्वेश्चन मार्क के जिस बाजू वाला होता है बिगर देन लेस देन साइन, उसको शिफ्ट दबा के आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये ग्रो का आपको एक ऑप्शन देगा। ग्रो का मतलब है कि इसके आजू बाजू जो भी फेसेस है वो एक 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 फेस करके बढ़ते जाएंगे, है ना। तो मेरे को एक बार के लिए, हाँ देख रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक फेस बढ़ते जाएगा। तो मुझे सिर्फ यहीं तक कि इसको डिलीट मारना है, तो उसको मैंने डिलीट मार लिया। और अब मैं जाता हूँ इसके एज पकड़ लेता हूँ मैं, राइट क्लिक मार के एज, डबल क्लिक, एज मैंने पकड़ लिया। उसके बाद एज मेरा बाहर चला गया क्या, एक बार के लिए मैं देखता हूँ, नहीं ठीक, ओके ठीक, डबल क्लिक मार लेता हूँ मैं एलेज में, और राइट क्लिक मार के कर लेता हूँ मैं फिल होल, ठीक है। फिर फेस को पकड़ता हूँ, राइट क्लिक मार के इसको कर लेता हूँ मैं एक्सट्रूड फेसेस, और इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर पिवट, और एक बार मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको बीच पे क्लिक करके ऐसे खींच लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये था सोल्यूशन इसका, किस तरह से हम लोग उसको ठीक करें। तो अब काफ़ी हद तक वो चीज़ जो है हम लोग ठीक हो गया है, बट थोड़ा सा और इसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा तो इसमें प्रॉब्लम अभी क्या है, प्रॉब्लम अभी ये है कि ये सब तो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये सारे सारे कॉर्ड है, पर बीच में जो ये जो फेस बन रहा है ये कॉर्ड नहीं है, ये अभी आई थिंक हेक्सागन या पेंटागन ऐसे कुछ बन गया होगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि मैं ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को इसका ज्वाइन कर दूँ, इस कॉर्नर को इसका ज्वाइन कर दूँ, तो ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगा तो चलो करके देखते हैं, लस्सी प्रॉब्लम आएगी तो आएगी, क्या है ठीक कर लेंगे उसको। तो फेस पकड़ लेंगे इसको, यहाँ पे जाएंगे कट फेसेस टूल, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इससे, इससे पहला और इससे इससे दूसरा। तो यहाँ पे मेरे को दो कट मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, राइट क्लिक मार के वर्टेक्स सेलेक्ट कीजिए, मर्ज वर्टेक्स टूल, मर्ज वर्टेक्स टूल, यहाँ पे जाके मर्ज वर्टेक्स कर दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, मर्ज वर्टेक्स टूल, ठीक है। अब बचा मेरा लास्ट, तो फिर से मैं फेसेस सिलेक्ट करता हूँ तीनों को, और यहाँ पे आप देखेंगे जो पॉइंट था इसको, इस पॉइंट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस पॉइंट से, और इस पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ मैं इस पॉइंट से, ठीक है। तो मैंने तीनों फेस सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह से एक कट यहाँ बना लिया, नेक्स्ट ये कट को मैं यहाँ बना लिया, ठीक है।
तो वर्टेक्स में आता हूँ मैं, सिलेक्ट राइट क्लिक मर्ज वर्टेक्स टूल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे वर्टेक्सेस जो हैं वो मेरे सिलेक्ट हो गए हैं, और अब मैं स्पेस को पकड़ता हूँ और इसको एज इट इज़ रखता हूँ, बट नीचे वाला जो है एज इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ कुछ इस टाइप से, है ना। तो थोड़ा सा पफिनेस जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा बेटर रिजल्ट इससे आ सकता है जैसा उम्मीद है, उम्मीद तो है जैसा कहते हैं ना, वही वाला कुछ सिस्टम हिसाब किताब है यहाँ पर। तो देखते हैं, मॉडलिंग दोस्तों एक पूरी तरह से एक एक्सपेरिमेंटल थिंक है, तो ऐसा डिमोटिवेट मत होइए अगर कभी भी आपका रिजल्ट ठीक से ना आए, फिर से कोशिश कीजिए, जितने बार कोशिश करेंगे उतना बार आप सीखते जाएंगे। कभी कभी हो सकता है कि मुझे भी दिक्कत आती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़े बड़े मॉडलर्स लोग को भी दिक्कतें आती है जब वो लोग कोई बड़ा मॉडलिंग टास्क जब करते हैं तब उनको भी दिक्कतें आती है ना, बट वो लोग डिमोटिवेट नहीं होते हैं, वो लोग करते रहते हैं और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका ज़रूर निकाल ही लेते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऑलमोस्ट सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर चलेगा। नेक्स्ट आता हूँ मैं इसमें, ऑलमोस्ट सेंटर। अब एक बार मैं 3 प्रेस करके देखता हूँ, तो काफ़ी हद तक मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल गया है, मैं हैप्पी विद दैट। कहीं पे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन भी तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो मतलब ये परफेक्ट है। एक बार के लिए मैं F प्रेस कर लेता हूँ, सॉरी 1 प्रेस कर लेता हूँ, और फिर से आता हूँ मैं रिज़ल्ट एक बार, मैं फिर से इसमें देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम जो है मुझे इसमें दिख रहा है। थोड़ा सा तो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम, एक बार के आइसोलेट करके देखता ताकि प्रोपोर्शन सही समझ में आए। तो यहाँ पे प्रपोर्शन वाइज तो ठीक है, बट थोड़ा सा पफी और होगा ऊपर, थोड़ा सा और पफी होगा। या समझ गया मैं क्या प्रॉब्लम है, फेस को पकड़ लीजिए, इसको जाके थोड़ा सा ग्रो कर लीजिए सिलेक्शन, और थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर हल्का सा, सॉरी, और बीच वाले को पकड़ थोड़ा सा और, तो थोड़ा सा पफीनेस और आ गया इसमें। फिर प्रेस करता हूँ, यो ऑलमोस्ट देयर, काफ़ी हद तक हम लोग का रिजल्ट जो है वो आ रहा है। अब नेक्स्ट जो है नीचे वाला, तो नीचे वाला आप देखेंगे कि वो कम पफी है, सिंपल सी बात है कि ऊपर वाला जो है ऊपर वाले के मुकाबले नीचे वाला पफी जो है वो कम होगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होगा प्रवीर, तो ऐसा वो इसलिए होगा क्योंकि वो जो मेरा गद्दा है वो नीचे वाले गद्दे के बल पे है, तो नीचे वाला जो पफीनेस है वो सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा कम होगा, है ना। बट प्रपोर्शनेट वाइज तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सही आ गया है, बस मुझे पफीनेस को थोड़ा सा और नीचे वाले को थोड़ा सा और ठीक करना है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट जो है ठीक हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इसके 2 वे है ठीक करने के, क्योंकि मैंने ऊपर बना लिया तो मैं नीचे वापस से उस सेम प्रोसेस को वापस से करूं तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक बहुत सिंपल सा वे यूज़ करूंगा जो हम लोग प्राचीन काल से यूज़ करते आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको मेरा एरर ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और मैं चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पर फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।